नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। और आज उत्तराखंड पूछ रहा है कि आखिर उत्तराखंड में सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में जाकर राजभवन में अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। हालांकि राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि जब तक दूसरा मुख्यमंत्री नहीं होता तब तक आपको कार्यभार संभालना होगा। ऐसे में आम जनता पूछ रही है उत्तराखंड की कि आखिर क्या धामी सत्ता पर काबिज रहेंगे या फिर धामी की जगह कोई नया चेहरा बीजेपी सामने लेकर आती है। दरअसल हुआ यूं कि कल 5 राज्यों के परिणाम सामने आए जिसमें उत्तराखंड भी शामिल था। उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत तो मिल गया, 47 सीटें तो मिल गई, लेकिन खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हार गए। ऐसे में आज वो अपना इस्तीफा सौंपने पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं कि उत्तराखंड में नया चेहरा कौन होगा, किस पर बीजेपी दाव खेलेगी, रणनीति क्या होगी। तमाम तरह की बैठकों का दौर भी उत्तराखंड में शुरू हो गया है। तो ऐसे में अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि कल उत्तराखंड में 47 सीटें बीजेपी को मिली है, 19 कांग्रेस को और अन्य को 4 सीटें मिलती हुई नजर आई हैं। उत्तराखंड का इतिहास किस तरह से रहा है जरा वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, उत्तराखंड में अगर बीसी खंडूरी की हम बात करें तो 2012 में उन्होंने चुनाव लड़ा कोटद्वार से, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर बात की जाए विजय बहुगुणा की, तो विजय बहुगुणा ने 2012 में चुनाव लड़ा सितारगंज से और उन्होंने जीत हासिल की। इसके अलावा हरीश रावत कल भी हारे, 2017 हरिद्वार ग्रामीण कीछा से भी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी 2022 खटीमा हार स्वीकार कर ली है और कहते हुए नजर आए कि जो भी जनता का आदेश था वो पूरा हुआ है, ये कालखंड हमने पूरा कर लिया है। आगे अब देखना होगा कि आखिर जनता क्या चाहती है और जो भी आलाकमान चाहेगा वही होगा। तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, एक प्रतिक्रिया हमारे सामने आई है, वो जरा अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। ये मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जिसका कहीं पर कोई नाम नहीं था, उसको पार्टी ने मुख्य सेवक का काम दिया और जो काम मुझे दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से वो काम पूरा हुआ है। इसलिए मैं सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद भी करूँ। आभार व्यक्त कर रहे हैं पार्टी का, साथ ही साथ जनता का भी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी, ये जो नाम है, और ऋतु खंडूरी, बीसी खंडूरी की बेटी, इनका नाम भी सामने जो है वो रेस में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन किसके चेहरे पर मुहर लगेगी, सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे में अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में क्या बदलाव, क्या परिवर्तन बीजेपी करने जा रही है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से एक ही पार्टी जो है वो दोहरा रही है। तो क्या किसी सांसद को सीएम बनाएंगी बीजेपी, ये भी बड़ा सवाल है। अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी, ये तमाम जो चेहरे हैं इन पर रसाकसी का जो दौर है वो उत्तराखंड में शुरू हो गया है। देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जब भी उत्तराखंड से, ग्राउंड जीरो से हमने आम जनता की राय जानने की कोशिश की तो आम जनता का साफ तौर पर कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास हुआ है और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद पसंद करते हैं। लेकिन तीसरे मुख्यमंत्री के चेहरे यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी रहे पिछले 5 साल के कार्यकाल में, और ऐसे में अब जनता ने उन्हें नकार दिया है। तो ऐसे में सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे परिचय आपका करा देते हैं। हेमा भंडारी आम आदमी पार्टी से हैं, अमरजीत सिंह कांग्रेस से हैं। तो सबसे पहले अमरजीत सिंह जी, बहुत उम्मीद थी कि इस बार शायद बदलाव होगा, लेकिन 19 सीटें, इसी से ही संतोष करना पड़ा। देखिए, निश्चित रूप से जो हमारी अपेक्षा थी उस उम्मीद हम नहीं उतर सके, लेकिन निश्चित रूप से जितनी भी आज हमारी संख्या है, हम
आपके चल के माध्यम से पूरी तरह आश्वस्त कराना चाहते हैं कि हम बेहतरीन प्रदर्शन विपक्ष के रूप में जो जनता की आवाज बनने का काम है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। जी, तो 2017 के मुकाबले 2022 में क्या लग रहा है, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है? अगर आप देखिए वोट प्रतिशत देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत गिरा है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। वो ठीक है, वोट प्रतिशत बढ़ा जरूर है, उनका घटा है, लेकिन जो हमें अपेक्षा थी कि लगभग जो तमाम मीडिया चैनल आपके बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है लगभग जो है 42, 35, 38, 40, 48 ऐसी सीटें तमाम मीडिया चैनल बता रहे थे, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन तो दुख तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कहीं मीडिया भी फेल हुआ है इस मामले में, कांग्रेस पार्टी भी कहीं समझ नहीं सकी इस अंडरकरंट को। अब क्या कारण है, ये एक समीक्षा का विषय है, इस पर समीक्षा करेंगे। अमरजीत जी, देखिए उत्तराखंड को अगर हम देखें, अगर इसके इतिहास को समझने की हम कोशिश करें, तो चाहे बीसी खंडेरी हो, 2012 में चुनाव लड़ा, कोटद्वार से हार गए, विजय बहुगुणा 2012 में सितारगंज से फिर जीते, हरीश रावत 2017 में हरिद्वार ग्रामीण कीचड़ से हार गए, पुष्कर सिंह धामी 2022 अभी कल ही खटीमा से हारे हैं, तो ऐसे में ये समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जहां से भी चुनाव लड़ रहा है उत्तराखंड में, उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है, जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है, वजह क्या हो सकती है? देखिए वजह अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी है, उनमें एक तो मिथ है, मैं तो इसको मिथ को खैर मैं नहीं मानता कि जो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेगा वो हार जाएगा, ये तो बाई चांस की बात है। लेकिन अगर आप केवल धामी जी की बात करें तो धामी जी लगातार तीसरे मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, जो मुख्यमंत्री उन्होंने 3-3 बदले, तो जनता को जो उनसे आशा उम्मीद थी वो 6 महीने में पूरी नहीं कर पाए। बस यही वजह है, इसके अलावा उनका काम जनता को पसंद आता है, मैं बता रहा हूँ उसके अलावा अगर उनका काम कोई अच्छा होता तो निश्चित रूप से जनता उनका जताती। अगर उनका काम कुछ अच्छा बेहतर होता प्रदेश के लिए। अमर जी, एक सेकंड, बीच में रोक रही हूं, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव वर्मा जी बीजेपी से हैं, अवधेश नौटियाल हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका भी बहुत स्वागत करती हूं मैं इस चर्चा में। अमर जी, कंटिन्यू करिए। जी, मैंने कहा अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे थे तो उनके ऊपर खनन प्रेमी होने का दाग नहीं लगता। इतना ही अच्छा काम वो कर रहे होते तो अपने चुनाव के दौरान उनको नोट ना बांटने पड़ते जनता के बीच में जाने। वो जो मुख्यमंत्री नोट बांट रहा है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जो जिनको खनन प्रेमी कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री के साथ साथ जो जन नेता नहीं थे। हरीश रावत को क्यों नकार दिया जनता ने? हरीश रावत को देखिए, हरीश रावत को नकारा है वो एक अलग विषय है। आप वर्तमान मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, जो आज हमारा मुख्यमंत्री वर्तमान में भी है और कल की वो दावेदारी में भी है। भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री पुनः बनाती है नहीं बनाती, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर हार की बात कर रहे हो, हमारा हारना एक अलग विषय है, हम तो अपनी हार स्वीकार करते हैं। मैंने पहले भी कहा, हमें जनता ने मैंडेट विपक्ष के तौर पर बैठने का दिया, तो विपक्ष के रूप में हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में पुराने उस समय हरीश रावत जी क्यों हारे, आज क्यों हारे, ये अलग विषय। आज वर्तमान की बात करो तो ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, जिस मुख्यमंत्री के चेहरे पर उन्होंने चुनाव लड़ा वो क्यों हारा। वर्तमान की बातें तो दोनों ही है, खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप जिस तरह से पूरे उत्तराखंड को देखिए, आप बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं, परिचित हैं उत्तराखंड से बहुत अच्छे से, तो ऐसे में क्या लग रहा है? देखिए ये सवाल मेरा बीजेपी से होना चाहिए लेकिन आपसे ही कर रही हूँ। अभी बीजेपी के नेता संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल किया जाएगा, कौन सा चेहरा जो है वो मुख्य हो सकता है, कौन रेस में सबसे आगे हो सकता है, किस पर जनता विश्वास जता सकती है पर्सनल टर्म्स में? नहीं बिल्कुल, अगर आप ये वैसे तो हम डिबेट में बैठे हो, पर्सनल टर्म की भी बात कर रहे हो आप, ये तो पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी का अपना जो है निर्णय है। लेकिन अगर आप देखिए, मगर आप धामी जी की बात करें, धामी जी पूरी तरह से फेल मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, जनता ने उनको नकार दिया है, उनको लाना तो ये तो जनता ने जो मैंडेट दिया उसकी बदखिलाफी होगी। तो मुझे लगता है कि एक तो ये उनको नहीं आना चाहिए। उसके अलावा अगर अपनी चर्चाएं आपने भी करी और उन्हें भी करी है, उन चर्चाओं में नाम आ रहा है निशंक जी का नाम आ रहा है, उन चर्चाओं में बलूनी जी का नाम आ रहा है, तो जो केंद्र के नेता, क्या इतनी मैंडेट लेने के बाद भी, 48 लोगों के बाद भी, इनको क्या अपने विधायकों में से कोई नेता ऐसा नहीं मिल पा रहा जिसको मुख्यमंत्री बना पाए? ये विचार हमारा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में चुनना चाहिए। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं, तो उनसे ही सवाल ले लेते हैं। संजीव जी,
धामी साहब तो हार गए, आज इस्तीफा भी पेश कर दिया, कौन सा चेहरा रेस में आ गए, किस पर अब दाव खेलेगी बीजेपी? वर्मा साहब आवाज आ रही है मेरी? शायद वर्मा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वर्मा जी अनम्यूट करिएगा, शायद आपकी आवाज आ जाएगी मुझ तक। अभी देखिए वर्मा जी तक तो मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है, अवधेश जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अवधेश जी चलिए आपसे ही जान लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, धामी साहब हार गए, इस्तीफा दे दिया, अब आगे क्या क्या लग रहा है उत्तराखंड में? देखिए बिल्कुल जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, इस्तीफा क्योंकि चुनाव हार चुके हैं, इस्तीफा देना ही था, लेकिन यहाँ की जो तमाम अटकलें और तमाम चीजें हैं तो मुझे लग रहा है कि भाजपा जो है उत्तराखंड में दो खेमे बटी हुई है। एक खेमा जिसमें कार्यकर्ता भी हैं, बड़े पदाधिकारी भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, जो आप पूर्व हो चुके हैं तमाम लोग, उनको ये लगता है कि अगर टीम ने मैच जीता है, भले ही कप्तान जीरो पर आउट हो गया हो, लेकिन जिस टीम के नेतृत्व में हमने ये कप जीता है, मैदान में जीत हासिल की है, उसको एक मौका दिया जाना चाहिए। इसके पीछे तर्क ये भी है कि तमाम जो सर्वे रिपोर्ट थी, चाहे वो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, उसमें भी इतने प्रचंड बहुमत का अनुमान नहीं था, इतना अंडरकरंट का अनुमान खुद पार्टी को भी था कि इतना जबरदस्त अंडरकरंट है, और लोग जो है 40 से अधिक सीटें, जो 47 सीटें भाजपा को दिए, इतना तेज अंडरकरंट होगा, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मोदी लहर की बात भी स्वीकार तमाम लोग कार्यकर्ता तमाम चीज कर रहे हैं कि मोदी, ये प्रधानमंत्री मोदी के नाम का अंडरकरंट था। नौटियाल साहब, हमें क्या ये मानना होगा कि शायद समय कम मिला है धामी जी को, इस वजह से वो किस तरह से कार्यरत है, किस तरह से अपनी जनता से प्रेम करते हैं, कितना करते हैं वो नहीं जान पाए, मौका मिलना चाहिए या ये जो नकारा है जनता ने इसे स्वीकार कर लेना चाहिए बीजेपी को? देखिए बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, मौका इसलिए मिलना चाहिए कि वो अकेले जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र का चुनाव चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, हर सीट का चुनाव प्रचार वो खुद कर रहे थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष खुद अपनी सीट पर अटके हुए थे, उनका पूरा फोकस हरिद्वार में था, मुख्यमंत्री धामी जो है तमाम अपना खटीमा के साथ ही जितने विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के हैं हर जगह प्रचार कर रहे थे। दूसरी संभावना वहां पर सीट जटिल समीकरण का, इस चीज को खुद मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि खटीमा का समीकरण बेहद जटिल थे, वहां पर उनको अधिक समय देने की गुंजाइश थी, लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए ऐसा संभव नहीं हो पाया, वो हर सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो 3 महीने उनको मिले हैं वो जनता तक मैसेज पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। भाजपा ने का जो पिछला 2 मुख्यमंत्री भाजपा ने बदले, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, उस समय का जो माहौल है, मौका मिलना चाहिए, मौका जरूर मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी मैं ही नहीं कह रहा हूँ, पार्टी के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, अरविंद पांडे और अन्य जो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं, उनका खुद मानना है कि एक मौका पुष्कर सिंह धामी का बनता है। ठीक है अवधेश जी आपके पास वापस लौटूंगी। हेमा भंडारी जी भी हमारे साथ बनी हुई है, बहुत देर से बैठी हुई है। हेमा जी, आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में, कर्नल अजय सिंह कोठियाल भी मैदान में, और पूरा दमखम दिखाया कि हम तो उत्तराखंड में अब बदलाव करने वाले हैं। पंजाब में तो आपने खैर झाड़ू से पूरा सफाया कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन उत्तराखंड में कहां चूक हो गई? उसके बाद फिर मैं धामी जी का भी सवाल आपसे करूंगी। देखिए 70 सीटों में पहली बार हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े हैं और 70 सीटों पे हम बड़े जोर शोर से हमने चुनाव लड़ा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जनता, जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि जनता जनार्दन का जो भी जनादेश होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, सह सम्मान स्वीकार करेंगे, और सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई बहुत बहुत। और जैसा कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में पहली बार अभी सिर्फ बीज बोया है और अभी हम उसमें जो है खाद पानी लगातार देते रहेंगे। अच्छा, अगले पांच साल बाद पंजाब में जो हुआ वैसा इतिहास दोहराया जाएगा? बिल्कुल। अभी तो सिर्फ बीज बोया है उत्तराखंड में और अब उसको खाद पानी हम लगातार देते रहेंगे और 5 साल बाद फिर आप देखिएगा बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। और बीजेपी ने वो बीज उखाड़ के फेंक दिया। देखिए जनता, इस्तीफा धामी साहब ने दिया है लेकिन बीजेपी जीती है। हेमा जी, बीजेपी जीती है, इस्तीफा ही दिया है धामी साहब ने। देखिए दृष्टि पत्र में जो इन्होंने बातें कही हैं, अब जनता देखेगी कि दृष्टि पत्र इनका
कितना सही कारगर होता है, इन्होंने जो बातें कही हैं वो पूरी होती हैं या नहीं, और जनता को बीच बीच में हम भी जगाते रहेंगे कि दृष्टि पत्र में जो इन्होंने घोषणाएं की हैं उन पर जरा ध्यान दीजिए, वो घोषणाएं पूरी करवाइए। तो ये है कि हम लोग तो लगातार आज भी कल भी सड़कों पर थे और आज भी सड़कों पर रहेंगे हम, अगर गलत होगा जनता जनार्दन के साथ खड़े रहेंगे और उनके लिए हम हमेशा पहले की तरह और आज भी उसी मजबूती से नजर आएंगे। हेमा जी देखिए यहाँ पर हम संजीव जी को कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की, बीजेपी से हैं और उनसे भी बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे थे लेकिन कनेक्शन की वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। यहाँ पर अमरजीत सिंह जी लगातार बने हुए कांग्रेस से, अगर उनसे कांग्रेस से सवाल पूछ रही हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बीजेपी से पूछ रही हूँ तो कह रहे हैं कि ये उसका आपसी मसला है। अभी अवधेश जी ने एक बात कही है कि मौका मिलना चाहिए, अमरजीत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश जी, वो कहते हैं कि मौका मिलना चाहिए धामी जी को। अमर जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी, नहीं मैं करूँ ठीक है। अवधेश जी एक वरिष्ठ संवाददाता हैं, पत्रकार हैं, उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है अगर जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया ना तो उसको उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए? 48 और विधायक हैं, उनमें से कोई चुनके आ जाए इसमें क्या हर्ज है ये? लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का निजी फैसला है, उनका निजी निर्णय है, लेकिन उनको पुनः ले आना, उनको समय कम मिला है, ये कोई तर्क मुझे समझ में नहीं आता। वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्मा जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी। वर्मा जी, धामी साहब ने इस्तीफा दे दिया, वापस आएंगे धामी साहब या दूसरा चेहरा उत्तराखंड में एक बार फिर से? देखिए वर्मा साहब, ईपी लगा लीजिए, आवाज आ जाएगी फिर आपकी। आपकी आवाज, वर्मा साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, देखिए शायद कनेक्शन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से उन तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अवधेश नौटियाल साहब। नौटियाल साहब देखिए संजीव वर्मा जी से बार बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन हम इस चर्चा को जारी रखें। नौटियाल साहब आपने अभी कहा कि मौका मिलना चाहिए, अमरजीत जी उससे सहमत नहीं है, हेमा जी कह रही हैं कि हम मेहनत लगातार करेंगे, यानी कि बीजेपी पर धामी साहब पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। देखिए इसके पीछे मेरा ये तर्क है कि मौका इससे मिलना चाहिए कि अगर बीजेपी की हालत बहुत बुरी होती है, बीजेपी और कांग्रेस में एक आध दो सीट का डिफरेंस होता या बीजेपी इनसे कांग्रेस से पीछे होती और ये जोड़ तोड़ के सरकार बन धामी चुनाव हार जाते हैं और तब जोड़ तोड़ के सरकार बनती होती और तब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना जाता और मैं उसके खिलाफ था, तब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था क्योंकि माइंडेड जनता ने कांग्रेस को दे रखा है। लेकिन बात पूरे प्रदेश की जनता की हो रही है, धामी जी अगर फेल हुए हैं तो खटीमार फेल हुए हैं, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो चीजें जो शायद बीजेपी इंटरनली उस चीज को दिखवाएगी कि क्या कारण है, क्योंकि यहाँ के बड़े नेता सिंह साहब तो कह रहे हैं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, पैसे बांट रहे थे, यही वजह थी कि खटीमा की जनता ने नकार दिया। देखिए इस चीज को मैं वो ये नहीं बोलता कि किससे क्या आरोप लगे हैं, आरोप हर बड़े नेता पे लगते हैं, हरीश रावत जी उत्तराखंड के ही नहीं देश के बड़े नेता हैं, आरोप उनको भी लगते हैं, हर नेता पे अलग अलग आरोप लगते हैं। यहाँ भुवन चंद खंडूरी चुनाव हार जाते हैं जिनको कि उत्तराखंड या देश का सबसे ईमानदार नेता कहा जाता है, उनकी ईमानदारी की लोग कसमें खाते हैं, वो अन्ना आंदोलन का नेतृत्व करते हुए वो यहाँ नेतृत्व किया, दोबारा उनको बीजेपी सत्ता में लेके आई, वो बीजेपी को बहुमत के करीब ले गए, कांग्रेस से एक सीट पिछड़ गए लेकिन वो चुनाव हार गए। तो ये देखिए भ्रष्टाचार के आरोप तो हर नेता पे लगते हैं, ऐसे उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री अब तक होगा जिसपे आरोप ना लगे हों, जो कह सके कि मैं बिल्कुल क्लीन स्वीप हूँ, किसी पे डायरेक्ट मुख्यमंत्री पे आरोप लगते हैं, किसी मुख्यमंत्री के जो पदाधिकारी जो कार्यकर्ता साथ में जो टीम काम करती है उसपे आरोप लगते हैं कि मुख्यमंत्री तो ईमानदार है लेकिन साथ में जो लोग काम कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। मैंने ये तर्क इसलिए दिया कि अगर बिल्कुल नजदीकी मुकाबला होता या कांग्रेस से 31 होते बीजेपी के 32 होते या बीजेपी के 25 34 होते और कांग्रेस से ऐसे होते तो मैं स्वीकार करता कि चलिए ये अलग चीज है कि बिल्कुल नजदीकी अंतर है, ये जोड़ तोड़ की सरकार बन रही है, जनता ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन अगर 70 में से 47 विधानसभा क्षेत्र की जनता धामी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और खटीमा में किसी तरह का वो हो जाता है तो एज ए पत्रकार मुझे लगता है कि इस चीज पर सोचना चाहिए क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता का माइंड देखना चाहिए। रमेश
पोखरियाल निशंक, ये नाम जो है कुछ महीनों पहले भी चर्चा में काफी आया था। जब धामी जी मुख्यमंत्री बने थे तो ऐसा लग रहा था उनके बनने से पहले कि रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री हो सकते हैं तीसरे 5 साल के जो कार्यकाल 2017 जिससे जो शुरू हुआ था, और आज फिर से ये नाम जो है सबसे आगे नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, बीजेपी रमेश पोखरियाल निशंक को मौका दे सकती है? और अगर देती है तो उत्तराखंड की जनता का कितना प्यार आभार मिलेगा? देखिए, बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले करते हैं। बीजेपी क्योंकि अमित शाह और मोदी के बारे में ये कहना कि वो क्या करने वाले हैं, बहुत बहुत इसको भविष्यवाणी करना या इसके बारे में सोचना ये बहुत ही नामुमकिन काम है। वो कब क्या कर रहे हैं? संजीव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी जरा सवाल ले लेते हैं। वर्मा साहब, अब मिल रही है मेरी आवाज आपको? बिल्कुल मिल रही है। वर्मा साहब, धामी जी इस्तीफा दे चुके हैं, अब क्या बीजेपी आगे रणनीति तैयार कर रही है? यही चेहरा होंगे या नया चेहरा आएगा सामने? रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी, अजय भट्ट, रितु खंडूरी, कौन हो सकता है इनमें से? मैडम देखिए, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और जिसको सबको पूरा करना होता है जी। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरा चुनाव भर जी तोड़ मेहनत करी। प्रत्येक 70 विधानसभाओं में उन्होंने जी तोड़ मेहनत करते हुए और 47 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी को दिलाने का काम किया और उत्तराखंड की जनता को मैं हृदय की गहराई प्रणाम करना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने माननीय मोदी जी की नीतियों पर और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों पर अपना सहमति का जो स्टैंप लगाया। तो लेकिन मैं सोचता हूँ, वर्मा साहब सिंह साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस से हैं, अमरजीत सिंह जी, वो तो कह रहे हैं कि धामी साहब को इसलिए नकारा गया क्योंकि वो तो भ्रष्टाचारी हैं, वो तो पैसा बांटते हैं, अपनी जनता को नहीं संभाल पाए, अपने क्षेत्र की जनता को पूरा उत्तराखंड क्या संभालेंगे? कैमरे पर पकड़े गए हैं नोट बांटते हुए, देखो अभी भी बोल रहे हैं सिंह साहब। मैडम नहीं, कैमरे में कैद हुआ है, नोट बांट रहे हैं वो। मैडम की जो जो जिस आदमी का जो असल में भारतीय जनता पार्टी का समस्या है ना कि इनके यहाँ जो भी होता है वो गंगा से नहाया हुआ होता है, वो पाप मुक्त होता है। हरीश राव सत्यवादी के सामने उन्होंने कैमरे के सामने उन्होंने ये बोलते हुए दिखे और पूरे देश क्या मैं कहता हूँ, जहाँ जहाँ टेलीविजन पे एक लाइव लोग उन लोगों को देख रहे थे जो सीधा सीधा ये कह रहे थे आप करोड़ों रुपया कमा लो, मैं आगे वोट दूंगा, मेरी सरकार को बचा लो, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं ये लोग। इन लोगों को तो किसी को बोलने का एक नैतिक अधिकार भी नहीं है और जिस तरह से ये तो पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर झूठा कपोल कल्पित आरोप इनका है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी युवा मुख्यमंत्री मीडिया में जिनका पूरा समय पूरे मुख्यमंत्री के जो विधानसभाओं में उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार किया और मात्र मात्र इस वजह से कि वो उन 70 सीटों में चुनाव प्रचार करते हुए अपनी सीट पर उतना चुनाव अच्छा, प्रचार नहीं कर पाए। वर्मा साहब, ये जो जीत दर्ज की है बीजेपी ने, उनको ये जो जीत दर्ज की है बीजेपी ने, 47 सीटें जीती है, इसका श्रेय पूरा पूरा धामी साहब को जाता है पूरा? मैडम देखिए, जो हमने 47 सीटें हासिल करी है का पूरा श्रेय उत्तराखंड के विकास को जाता है, उत्तराखंड की जनता को जाता है, उत्तराखंड के प्रत्येक कार्यकर्ता को नहीं जाता और इसका पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, इसका पूरा श्रेय। समस्या तो यही है ना, उत्तराखंड की सरकार ने काम किया नहीं। इसका मतलब वर्मा साहब सोच लीजिए, आप बोल रहे हैं हमारे चैनल पर बोल रहे हैं, मैं तो इसका श्रेय किस किस को जाता है? धामी साहब का नाम नहीं ले रहे आप? प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। मैडम मैंने क्या बोला? उत्तराखंड में कुछ काम किए होते इन लोगों ने
हमारी सरकार चल रही है, हमने जो डबल इंजन सरकार के माध्यम से अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने का काम हमने उत्तराखंड में किया, उसको इस बात को कहकर छोड़ दें कि उन्होंने बहुत नेगेटिविटी है पर लड़ रही है। कांग्रेस के पास कोई रोडमैप नहीं था, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था और पूरा चुनाव भर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कोसती रही। पूरे चुनाव भर भारतीय जनता पार्टी को ये कह के बोलती रही कि उन्होंने विकास तो चलता है ना, कोसना तो चलता है, जो पोजीशन में रहेगा वो तो कोसेगा ही। जब आप पोजीशन में थे तब आप भी कोसते थे, तो कोसना तो चलता रहता है ना। इसमें तो बुरा मानने वाली कोई चीज नहीं। आप कह रहे हैं कि आपने विकास के दम पर ये वोट हासिल किए हैं तो फिर खुश रहिए। मैंने आपसे सीधा सा सवाल किया कि ये श्रेय क्या धामी साहब को जाता है, आपने उसका जवाब नहीं दिया मुझे। वर्मा जी, मैंने मैडम मैंने आपको पहले बोला है इस जो हम 47 सीटें जीते, मैंने आपको पहले कहा हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी दिन रात एक किए हुए पूरे 70 के 70 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार करते रहे। उन्होंने जो विकास के एक नए आयाम खड़े करे, जो डबल इंजन सरकार के माध्यम से जो उत्तराखंड का एक जबरदस्त विकास हमारे सामने आया, धरातल पे आया, और जो दूरगामी परियोजनाएं हमारे उत्तराखंड में वर्तमान में चल रही है और आगे भी चलती रहेंगी, ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कामों पर अपनी एक सहमति की मोहर लगाई और 47 सीटें। अच्छा, पांच साल और तीन मुख्यमंत्री तो नहीं मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पुनर्सत्ता में वापसी लाने का काम किया। वर्मा साहब, आखिरी सवाल आपसे, अगले पांच साल तीन मुख्यमंत्री तो नहीं मिलेंगे जैसे पिछले कार्यकाल में हमने देखे? देखिए, मैं कांग्रेस का काम केवल और केवल अनर्गल आरोपबाजी करने का है, वो आरोप लगाते हैं। मोदी आपकी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मेरी बात का जवाब मेरे सवाल को घुमा दिया। हमें मजबूत सरकार, मैडम हम मजबूत सरकार देने जा रहे हैं, हम एक मजबूत सरकार देने जा रहे हैं। मान लिया संजीव वर्मा जी, मान लिया आप मेरे बात का जवाब नहीं देंगे, मैंने मान लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अमर जी जी, बहुत शॉर्ट में करिएगा, बहुत शॉर्ट में। मैं समझ गया, आपने जो उनसे सवाल पूछे उन्होंने जो जवाब दिए समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, ये जो वर्मा जी है ये धामी गुट के नहीं है, ये निशन गुट जी के हैं। ये किस रूप से यहाँ पे कहते हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री बनने चाहिए और ये उनके सिर पे जो है सरकार वापस लौट के आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए वो गुट जो दूसरा गुट श्रेय ना ले जाए, ये निशन गुट के हैं, ये बलूनी गुट के हैं, ये दोनों में से गुट हैं ये। ठीक है, समझ गए। सिंह साहब, आपकी बात को भी मैं समझ गई हूँ। एक आखिरी कमेंट अवधेश नौटियाल जी से, एक आखिरी कमेंट क्योंकि चर्चा को फिर यही खत्म करेंगे। नौटियाल साहब, अभी संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, मैंने उनसे पूछा अगले पांच साल तो हमें तीन चेहरे नहीं दिखाई देंगे मुख्यमंत्री के, कुछ नहीं बोला, बात को घुमा दिया। देखिए, अब उत्तराखंड में जिस तरह का माइंडेड आया है, अगर मैं देखिए कांग्रेस की तरफ से सोचूं तो कांग्रेस ने हर वो मुद्दा उठाया जो उत्तराखंड की जनता से जुड़ा हुआ था, महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, आप उन्होंने 500 सिलेंडर देने की बात की, तमाम जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया, हर चीज को जनता तक पिंच किया। लेकिन इस माइंडेड को अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा माइंडेड, अब उत्तराखंड की जनता को इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, उनको तीन मुख्यमंत्री दिए उनको कोई लेना देना नहीं है। आप इस पूरे माइंडेड को देखिए, अमरजीत जी मेरे साथ हैं, बिल्कुल बड़े भाई की तरह रोज उनसे मिलना होता है, वो खुद देखेंगे कोई मुद्दा नहीं छोड़ा उत्तराखंड में, हर वो मुद्दा पिंच किया जो यहाँ की जनता को चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जनता ने 45 का माइंडसेट दे दिया है, तमाम उन्होंने जो जो बात बोली भ्रष्टाचार तमाम चीजें भाई पांच साल में मजबूत विपक्ष। ठीक है, अब नौटियाल साहब समझ गए। आपका बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुखरता से अपनी बात रखने के लिए। तो उत्तराखंड में भूचाल आया हुआ है क्योंकि धामी साहब ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि एक प्रक्रिया है क्योंकि वो खटीमा से हार गए हैं, हार स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन ऐसे में भूचाल इस चीज़ का आया है कि आखिर अगला चेहरा कौन होगा, क्योंकि पिछले कार्यकाल में हमने पाँच सालों में देखा था कि तीन चेहरे बीजेपी ने मुख्यमंत्री के दिए थे और आखिरी पुष्कर सिंह धामी था। अब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, बीजेपी जीती लेकिन पुष्कर सिंह धामी हार गए।
अब अगले 5 साल के लिए उन्हें वापस गद्दी मिलती है या नहीं, या दूसरा चेहरा होता है। कांग्रेस जो लगातार निशाना साध रही है कि भाजपा में खेमे बटे हुए हैं, एक धामी खेमा है, एक निशंक खेमा है, आखिर ये खेमे पर किस तरह का जो लड़ाई है वो हमें देखने के लिए मिलती है और कौन सा चेहरा सामने आता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।